हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, एसएससी से रिलेटेड जो आपकी वैकेंसी है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और आपका जो एसएससी जीडी है दोस्तों, उसके लिए जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जो आपका अपडेट सामने आया है, उसके बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो आपको जो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में, 7 मई 2021 को जो नोटिस आया है, नोटिस फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या अपडेट बताया गया आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये नोटिस आपका डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर आपका चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस है, इन व्यू ऑफ सर्ज इन COVID-19 केसेस द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द फॉलोइंग एग्जामिनेशन टिल फर्दर ऑर्डर्स। दोस्तों जो आपका फर्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, दोस्तों जो आपका CHSL है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट रही थी वह आपका 21/5/21 से 22/5/21 रखी गई थी, जो कि दोस्तों वर्तमान में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और दोस्तों जो आपका नेक्स्ट है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, इसका भी टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होना था, उसको भी आप देख सकते हैं कि पोस्टपोन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, एसएससी जीडी की वैकेंसी जो आपका मई के फर्स्ट वीक में आने वाली थी, उसको भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, और आपके जो आने वाले ऑर्डर्स तक इसको पोस्टपोन ही माना जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि जब तक COVID-19 की जो कंडीशन है थोड़ा सा स्थिर नहीं हो जाती है, तब तक इन वैकेंसी पर थोड़ा सा रोक लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको अपनी तैयारी बंद नहीं करनी है, आपको तैयारी कंटिन्यू जारी रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी आपकी आना ही कन्फर्म हो सकता है, आपके नेक्स्ट 1-2 महीने में आ सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।